पापा की सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरा ना मैं ही छुपा देता हूँ। तुम? हम मैं। बस तुम? मतलब हाँ बस मैं ही आया हूँ। वो क्या है ना, वीर कुछ काम के लिए गया है इसलिए मैं आ गया। हाय पापा। वीर क्या चाहिए? मुझे क्या क्या कहते हैं इस बीमारी को? क्या बोलना शुरू करते तो चुप ही नहीं करते, अब जबान अकड़ गई है। क्या कहते हैं इस बीमारी को? पता नहीं, मुझे तो कपड़े चाहिए थे। तुम्हारे कपड़े मेरे पास क्यों होंगे? मेरे नहीं, आपके कपड़े चाहिए थे। मेरे कपड़े तुम्हें दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? जोकिंग पापा, जोकिंग, लाइक मी। दूसरा बेटा, आपके कपड़े चाहिए थे धोने के लिए। तो ऐसे कहो ना। क्या कर रहे हो? क्या है ना, मैं अंगड़ाई दे रहा हूं विद स्ट्रेचिंग, क्योंकि मैं थक जाता हूं बकवास करते करते। इनका शुद्धिकरण हो जाना चाहिए। शुद्धिकरण हो जाना चाहिए। शुद्धिकरण मतलब शुद्ध पानी में इन कपड़ों को धो देना चाहिए। अब पापा के कपड़े वॉशिंग मशीन में धूं या वाटर प्यूरिफायर में? कर लूंगा भाई। जिंदगी खूबसूरत है, शुक्रिया उसका जिसने हमें ये खूबसूरत तोहफा दिया। आज के इस खास दिन पर एक खास इरादा, जिंदगी में जो भी करूंगी दिल से करूंगी और हमेशा अपने दिल की सुनूंगी। तेरी पिछले 3 साल से हर साल सेम डेट पर सेम पोस्ट। इतना तो पता है कि ज़ारा पाइसीन है, पर उसने अपना बर्थडे कभी पब्लिक नहीं किया। पर हर साल सेम डेट पर कोई मंदिर क्यों जाएगा? ओह माय गॉड, आज तो ज़ारा का बर्थडे है। मुझे उसके लिए कुछ स्पेशल करना होगा। करो क्या करो क्या करो। कितने बेशरम हो ना तुम लोग, बस एक बार यहां से दफा हो जाओ तो हमारी जान छूटे। बिंदु, इस तरह स्वीटी मीठी से बात मत कीजिए, जो कुछ कहना है मुझसे कहिए। प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस सिंधवानी। रूपा, जी आपको पता है ना कि आप इनकी प्रॉपर्टी में खड़े हैं, फिर भी एटीट्यूड दिखा रहे हो आप। अब रॉकी बेटा ऐसा। बस मम्मा शांत, देखो इस उम्र में इतना हाथ और मुंह चलाना ना सही नहीं आपके लिए। थोड़ा सा भी दम बाकी है ना
आओ पंजा लड़ा के दिखाओ। मैं हर बार इन मनुष्यों की बेकार तकरारों में कैसे फंस जाता हूं। नहीं ईदड़ भाग गया क्या? शहर में बेकरी वालों की हड़ताल है। अरे भैया केक तो केक होता है ना, उसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। हेलो भैया, अरे कुछ अरेंजमेंट काट दिया। अब क्या करूं, जारा के लिए बर्थडे केक कहां से लाऊं? पंजा लड़ा के दिखाओ। पापा थैंक यू सो मच। पापा आपने क्या करारा जवाब दिया मामी को। पापा आपको पता है भैया इतने सालों से मैं मामी से बचाते आए हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी बहाने से ना रॉकी और मामी ने मिलकर मैं बहुत टॉर्चर करा है। बहुत परेशान किया हम तीनों को उन्होंने, लेकिन हम सब कुछ सहतर है क्योंकि हमें पता था हमारे पास जाने के लिए और कोई जगह ही नहीं है। लेकिन आज पहली बार किसी ने उन्हें सामने से जवाब दिया है। पहली बार मामी को पीछे हटते हुए देखा हमने पापा, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच पापा, आपने हमारा स्टैंड लिया। आप मानोगे नहीं पापा, इतना पैसा है इन लोगों के पास, फिर भी आज तक खाने के लिए इतने ताने मारे इन लोगों ने। भैया तो कितनी बार सेट से खाना छुपा के लाए हम दोनों के लिए। मामी ने तो 10-10 घंटे में धूप में खड़ा रखा है छत पे, पैरों से छालों के निशान तक नहीं गया अभी तक। इनका दुख मुझे क्यों गुस्सा दिला रहा है? क्यों इनकी चोट देखकर मुझे पीड़ा हो रही है? आपने सिखाया था ना भैया को पापा कि बड़ों को कभी उल्टा जवाब नहीं देना, इसलिए तो बेचारे आज तक सबकी सुनते आए हैं। अब आपको उसका जवाब देना होगा। आप देंगे ना पापा? हाँ बेटा, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं इनके सामने अमल नंदा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। भले इन मनुष्यों के शरीर आम से कमजोर हैं, लेकिन इनके जज्बात ऐसे घातक हथियार हैं जिनका जवाब हम असुरों के पास भी नहीं है। पापा क्या हुआ? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh no, तुम तो रोने लगी, इतना बुरा था क्या? वीर, तुम्हें कैसे पता कि आज? बस इतना समझ लो कि हमने तुम्हारे पीछे जासूस छोड़ रखे हैं। वीर, जिनकी फिकर होती है उनकी खुशी, उनका गम, उनका बर्थडे सब पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो पता लगा लेना चाहिए। जारा, ये केक तुम्हारी तरह खूबसूरत तो नहीं है, पर मेरी तरह थोड़ा क्लमजी है। I like clumsy. मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? आ जाओ। कहाँ वीर? Thank you.
चाहती थी मेरे बर्थडे पे हीरो मेरे साथ हो, पर अगर वीर ना आया होता तो मैं अकेली ही रह जाती आज के दिन पे। अपने एफर्ट से इसने ना सिर्फ मेरे आंसू पोंछे, मुझे हंसाया भी है। वीर, यूर अ ट्रू फ्रेंड। वीर, अब मैं तुम्हें फॉर्मली इनवाइट कर रही हूँ, क्या तुम मेरा बर्थडे मेरे साथ मनाओगे? अरे नहीं नहीं सारा, तुम तो आज बहुत बिजी होगी, तुम्हारे घर पे तो सारे फ्रेंड्स आ रहे होंगे, तुम्हारे बंगले में तो बहुत बड़ी पार्टी होगी। नहीं, तुम क्यों नहीं आ सकते? अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसे हाई प्रोफाइल पार्टीज की आदत नहीं है। आई मीन क्या पहनना है, कैसे बिहेव करना है, मुझे नहीं आता। मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, सिंपल सिंपल। और मुझे तुम्हारी सिंपलिसिटी बहुत पसंद है वीर, आई प्रॉमिस तुम्हें वहाँ बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी। ज़ारा, तुम एक स्टार एक्ट्रेस हो, मैं एक स्टंटमैन। तुम्हारे वहाँ पे अल्ट्रा रिच दोस्त आएंगे, तुम खमखा अपने दोस्तों के सामने अल्ट्रा एम्बैरेस हो जाओगी। इसलिए हम कल मिलेंगे, ठीक है? तब तो तुम अपनी पेस्ट्री पार्टी एंजॉय करो। वीर रुको। हाँ, पेज 3 आलिशान पार्टी है मेरे बंगलों पे, और मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ आओ और देखो। चलो मेरे साथ। जस्ट कम सारा, पर मेरी बात तो सुनो। ढंग से शेक करो, रूटीन बना रहे हो, मसाला छाछनी बन रही है। ये ब्रेकफास्ट तो ठूस ठूस के खाएंगे, पर अभी एनर्जी गुल। वो मोनालिसा पूछा मार रही हो क्या? हैं? ढंग से साफ करो उसे, काम चोर। कॉमेडी शो चल रहा है यहाँ पे? हैं? नहीं, जब से तुम्हारा बाप आया ना, बहुत फुदक रहे हो तुम। इतना मारूंगा ना तुम्हारे बाप को, याद आ जाएगा सब। रॉकी, तुम्हें पंजा लड़ाना था ना? अच्छा, कौन सा प्रोटीन खा के आए हो? चले ऐसे भग। फूफा, ऐसा भी हो सकता है हाथ में प्लास्टर व्लास्टर लग जाए। दिखा बात, बाद में रोना मत। तैयार? वन, नहीं, 3, 2, 1। पकड़ो अब, अरे इनविटेशन भी तो तुम ही लाए थे। भाई साहब का राइट हैंड तो गया। आओ वीर। अच्छा, ये वही घर है ना जहाँ तुम अपने रोल की प्रिपरेशन के लिए रह रही हो। मानना पड़ेगा ज़ारा तुम्हारे कमिटमेंट को। I mean, अपना क्वीन साइज बंगलो छोड़कर ये कॉम्पैक्ट सा कमरा, ये वन रूम किचन बहुत डिफिकल्ट है। हमारा तो चलता है ना वो चैरिटी की छत में, पर तुम तो ज़ारा द सुपरस्टार सेलिब्रिटी हो ना। ऐसे ये यहाँ पे बड़ी परेशानी होती होगी। मैं यही रहती हूँ वीर। आई
I'm so sorry, Zara. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने कैरेक्टर में ना बहुत डीप घुस गई हो. ये तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? अब तुम्हारे घर चलते हैं. वीर, यही मेरा घर है. वीर, जब से मुंबई में आई हूँ यही रहती हूँ. यहाँ पानी? हाँ, पानी. वन मिनट. तुम सारा हो और ये ना ही कोई बंगलो है वीर, ना ही मैं अल्ट्रा रिच हूं. ड्राइवर, नौकर, आड़िया, कुछ हम लोग मिडिल क्लास गर्ल वीर, सपनों की नगरी में अपने सपने पूरे करने आई है. सालों से स्ट्रगल कर रही है. तुमने न्यूज में देखा होगा, पढ़ा होगा, रोल के लिए यहाँ रह रही हूँ एंड ऑल दैट. सब कुछ रंजीत अंकल ने मेरी रेपुटेशन बचाने के लिए कहा था. मामा जी, ये वन रूम किचन, यही मेरा सच, यही मेरा सच, यही मेरा सच.